हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको फ़ीस कितना देना होगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे फीस ईयरली आपका लगने वाला है, ठीक है। ये जो भी फीस बता रहा हूँ आपको ईयरली देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका ब्रोशर आपको डाउनलोड कर लेना है इनके साइट से। तो वो कैसे डाउनलोड करना है, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बात कर रखा है, पूरा प्रोसीजर मैंने बात कर रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देख लेना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं, ये छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको फ़ीस स्ट्रक्चर कितनी है सारे कोर्सेस का वो हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो बीए बंगाली ऑनर्स के लिए आपका फ़ीस जो रहने वाला है, ये जान लीजिए माइनर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। वो जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें मेजर माइनर जो भी सब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। जब आप माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पर फीसें थोड़ी बहुत डिफरेंस आएगी, ठीक है, हर कोर्सेस मतलब हर सब्जेक्ट के लिए। ये ध्यान रखिएगा, किसी किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहते हैं इसलिए उसमें फीसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे बंगाली का जो हिस्ट्री माइनर अगर लीजिएगा तो 12,826 है, संस्कृत जो लीजिएगा 12,826, सोशोलॉजी में भी 12,826, फिलोसफी भी 12,826 और साइकोलॉजी जो लीजिएगा वो 16,040 रुपये लगेगा। फिजिकल एजुकेशन भी 16,040, इकोनॉमिक्स 12,826 और पॉलिटिकल साइंस 12,826। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो मैं सबका बस बता देता हूँ, आप उसी हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स का आप देख सकते हो 14,691 से लेकर 17,905 के बीच में है। जो जो आपको माइनर लीजिएगा वहाँ से आप फीस सामने देख सकते हो, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री का आप देख लो, हिस्ट्री में अगर माइनर बंगाली लीजिएगा तो 14,891, तो 14,891 इनका है। और बाकी साइकोलॉजी का 17,905 और फिजिकल एजुकेशन का 17,905, ठीक है, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये फीस आप देख, फिलोसफी के लिए 12,826 से स्टार्टिंग है और 16,040 के आसपास है जो आप फिजिकल एजुकेशन का फीस आपका इसमें पड़ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का आप देख लो, 14,691 से स्टार्ट है और 17,905 तक है आपका फीस, अब जो माइनर लीजिएगा उसका रहेगा, ठीक है। संस्कृत का आप देख सकते हो 12,826 से, साइकोलॉजी लीजिएगा तो 16,040 रहने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए आपको बीएससी के कोर्सेज का। तो बीएससी कोर्सेज में आप देख सकते हो, ये बॉटनी ऑनर्स में आपको अगर लेना है तो 20,940 में केमिस्ट्री जो माइनर लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी 21,591 और जूलॉजी 20,994, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स आप लीजिएगा तो कंप्यूटर साइंस जब आप लीजिएगा तो 23,766, मैथमेटिक्स 21,051, फिजिक्स आपको 21,629 और जूलॉजी 21,629, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस का देख लो, बीएससी कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हो यहाँ पे फीस सामने है, ठीक है। मैथमेटिक्स कंपलसरी आपको लेना होगा, ठीक है, 40,835, फिजिक्स 41,413। ये माइनर कैसे क्या रहेगा वो जब ओरिएंटेशन होगा वो लोग समझा देंगे, ठीक है, उसमें आपको बेफिक्र रहना है। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स देख लो आप सामने यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, माइक्रोबायोलॉजी आप देख लो, फिजिक्स देख लो आप और जूलॉजी आप देख लो। अब बात किया जाए बी कॉम ऑनर्स और बी बी ए ऑनर्स के लिए। तो बी कॉम ऑनर्स का आपका जो फीस है 41,457 है और इसमें हर चीज़ों को डिवाइड कॉलम में कर दिया गया, कहाँ कितना फीस लगने वाला है तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे एनुअल चार्जेस 9,530, हाफ ईयरली एनुअल चार्जेस आपका 2,646,59, ये सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया, मैं टोटल आपको बता रहा हूँ। अब बी बी ए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फीस है 42,246 रुपया है आपको ईयरली फीस लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारा आपका फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम हम लोग हर एक टॉपिक पे कवर कर लेंगे, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो जिनका जिनका ये कन्फ्यूजन था, होप ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। चलिए फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए, हेल्प किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू।